हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सुबह सुबह का टाइम था और इनके लिए मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। जैसे कि आप सभी को बताया है, ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे लेके जाते हैं ये टिफ़िन में, तो घर पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और वही वो टिफ़िन में लेके जाते हैं। फिर 2:30-3 बजे आते हैं और उसके बाद फिर लंच करते हैं हम लोग साथ में। तो यही हमारा रूटीन होता है सुबह का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पापड़ा। और जो मैंने आपको दिखाया नहीं था उस दिन, जो दीदी ने भेजा था, मतलब मेरी जिठानी ने जो भेजा था मेरे लिए, तो वो पापड़ा मैं बना रही हूँ। और किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि पापड़ा की रेसिपी शेयर करने के लिए, किसी ने मतलब बहुत 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पापड़ा की रेसिपी शेयर करो, आप कैसे बनाते हो पापड़ा। और बहुत लोग मतलब उसे पापड़ा पापड़कूट भी बोलते हैं, मतलब कोई पापड़ा बोलता है, कोई पापड़कूट बोलता है। तो यहाँ पर ही किसी ने मुझे बोला था कि हम लोग पापड़कूट बोलते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने पहले क्या बोलते हैं तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, उसमें जीरा राई ऐड किया है। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है यार, बहुत सिंपल है रेसिपी की। तो जीरा राई डाल दिया था, उसको चटकने के बाद मैंने ऐड किया था उसमें क्या बोलते हैं प्याज ऐड किया था बारीक चॉप किया हुआ, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, वो अच्छे से होने दिया था। और वो हो जाने के बाद मैंने सारे मसाले ऐड किए उसमें, मतलब मसाले मीन्स लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, ये सारे मसाले ऐड किए। और उसके बाद मैंने अच्छे से उसको चला लिया, मतलब उसे भून लिया। और उसके बाद मैंने ये जो पापड़ कूट है, जो जिसे मैं पापड़ा बोलती हूँ, तो वो मैंने ऐड कर दिया उसमें और वो अच्छे से चला लिया। और ये ना सूजी का बनता है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, बट मुझे नहीं पता है कैसे बनाते हैं, मतलब वो मैंने आपको बताया भी था उसमें। तो ये इस तरह से बनता है और इसे क्या बोलते हैं, इसे चूरा बनाया जाता है, इसका रोटी बनाई जाती है इसकी पहले तो, और फिर उसका चूरा बनाया जाता है, सुखाया जाता है। तो ऐसे बनता है ये, तो इस बहुत टेस्टी लगता है बट नाश्ते में। तो इस तरह से मैं इसे इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से भून लूँगी इसे, मतलब पहले भूनना है इसे अच्छे से, तब जाके ये अच्छा बनेगा, नहीं तो फिर ये चिपचिपा बन जाएगा और ये चिपकने लगेगा। तो अच्छे से भून लोगे ना आप इसे पहले, तो ये अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से मैं अच्छे से भून लूँगी इसे। और कोई कोई ना वैसे ही बिना भुने ही डाल देता है पानी, बट मुझे लगता है कि अगर भुनोगे ना आप, जैसे हम लोग सूजी वगैरह भूनते हैं या हम लोग उखड़ पिंडी के लिए आटा जैसे भूनते हैं, तो वैसे ही पहले भूनना पड़ता है इसे। तो उसके बाद हम लोग इसे भून लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, तो वो गर्म पानी ऐड करना है उसमें। जैसे हम लोग ये नहीं बनाते हैं उपमा वगैरह, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर है इसकी, सेम प्रोसीजर है। तो पहले भूनना पड़ता है इसे थोड़ा सा अच्छे से, और उसके बाद उसमें पानी ऐड करना पड़ता है। और जैसे हम लोग उपमा में ज़्यादा पानी डालते हैं, जैसे सोख कर लेता है ना सूजी, तो वैसे ही हमें इसमें भी पानी ज़्यादा डालना है। तो ये भी सूजी का ही बनता है, तो इसीलिए ये भी सोख कर लेगा बहुत ज़्यादा पानी। तो हमें पानी गर्म करना है पहले, यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, और उसके बाद मैं गर्म पानी ही उसमें ऐड करूँगी। तो आपने देख लिया कि कितना सारा पानी मैंने उसमें ऐड किया है, तो अब ये पूरा पानी सोख कर लेगा थोड़ी देर में। तो आपको इसे थोड़ी देर चलाते जाना है ऐसे ही, तो ये ना थोड़ा सा वो खुला खुला सा बनेगा फिर, अगर आप थोड़ी देर चलाते जाओगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको, और उसके बाद देखो बॉईल होने लगा है ये। जैसे जैसे ये बॉईल होगा वैसे वैसे ये पानी सोख कर लेगा, और उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा जैसे उपमा बनता है वैसे ही। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो पापड़ा है वो रेडी हो चुका था। और थोड़ी देर ऐसे ना खुला छोड़ना है हमें इसे, मतलब इस पर ढक्कन नहीं रखना है हमें। जैसे खुला छोड़ने से क्या होगा कि ये ना थोड़ा सा खिला खिला सा बनने लगेगा, तो नहीं तो ये चिपकने लगेगा अगर आप इस पर ढक्कन रखोगे या कुछ भी, तो ऐसे चिपकने लगेगा। तो इसीलिए मैं ये ऐसे ही रखती हूँ। और अभी ये बन गया है ब्रेकफास्ट हमारा, और इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। अगर आप खाते हो ना, तो आपने अगर खाया हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं खाया है तो आपको रेसिपी भी नहीं बता सकती हूँ यार मैं कैसे बनाते हैं। तो अगर दीदी वगैरह आई या दीदी ने मुझे बताया, तो मैं आपको बता दूँगी कभी बना के भी यहाँ पर। और मैंने चाय भी चढ़ा दी है के लिए, क्योंकि इसमें से ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ये घर पे करेंगे, और उसके बाद इनको चाय दे दूंगी। और यहाँ पर भर रही हूँ मैं इनका टिफ़िन, तो टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, टिफ़िन रेडी कर दूंगी उनके लिए, और उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट दूंगी और उनके लिए चाय दे दूंगी। तो हो जाएगा उनका ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसके बाद वो चले जाएँगे ड्यूटी। तो यही होता है सुबह का रूटीन, और इसी वजह से मैं ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह, बहुत जल्दबाजी में रहती हूँ इनका मतलब, और बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है इनकी ड्यूटी की वजह से। तो इसीलिए बच्चे तो सोते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे
परेशान नहीं करते हैं इस टाइम तो, अभी लॉकडाउन की वजह से ना, अभी एक तो स्कूल भी नहीं है और बच्चे उठ के भी क्या करेंगे, तो इसीलिए बच्चे तो सोते रहते हैं, बट मुझे उठना पड़ता है सुबह सुबह। एक तो ब्लॉग को भी पब्लिश करना पड़ता है आपके लिए सुबह, और उसके बाद फिर इनके कामों में लगना पड़ता है, तो इसीलिए ना मैं सुबह उठ जाती हूँ और इनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देती हूँ। कभी ये रोटी सब्जी भी लेके जाते हैं कभी कभी, ज़्यादातर ये यही लेके जाते हैं, मतलब नाश्ते वाली चीज़ें, और कभी कभी रोटी सब्जी लेके जाते हैं। चलिए फिर इनके लिए चाय छान ली है और अभी इनको दे दूँगी चाय, और उसके बाद ये चले जाएंगे ड्यूटी, और उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने बाकी के घर के कामों में। मैंगो जूस नहीं है, ये खरबूजा है। खरबूजा नहीं, मैंगो है। मैंगो नहीं है, मैंगो वो दीदी काट रही है उधर। मैंगो मतलब पाइनएप्पल। मैंगो मतलब पाइनएप्पल नहीं होता है। हाँ। ये खरबूजा है। खरबूज मतलब, हाँ, खरबूज मतलब, हम्म, मैंगो होता है। मैंगो नहीं है वो, है दीदी वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन नहीं, खरबूज। हाँ क्या इशारे चल रहे हैं इसके? अरे अरे ये कौन से इशारे? कमोन कमोन Come on. मिठाई माही। तो गाइज ये ड्यूटी से आ गए थे, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट की, हम लोगों ने सो गए थे तो खाना वगैरह खा के, तो उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम है ये, और शाम के टाइम में इन्होंने ना ड्यूटी से आते टाइम ना ये किया था, मतलब यहाँ पर ये एक बोरी लाई थी इसकी प्याज की, तो क्योंकि ना थोड़े थोड़े से प्याज ला रहे हैं ना, तो जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं यार, फिर और फिर लॉकडाउन में ये लाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी एक दो प्याज भी नहीं रहते हैं घर में, तो इसी वजह से ना ये बोरी ही लेके आए थे आज प्याज के ड्यूटी से आते टाइम, तो इन्होंने वहाँ से पहले ही रख दी थी लेके, और फिर उधर से ये लेके आए थे, तो ये ना वो क्लीन कर रहा है बोरी के प्याज, और वो बच्चों को भी लेके बैठे थे, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो इसी वजह से मुझे ना इन्होंने उठाया नहीं था। मैं आके उठ के यहाँ पे आई तो मुझे दिखा कि ये बच्चों के साथ ये कर रहा है, बच्चे भी इन्हें हेल्प कर रहे थे, तो अद्विक मस्ती कर रहा था, तो वो मस्ती करते करते उससे भी सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे करो वैसे वैसे करो, तो माही भी हेल्प कर रही थी, वो भी हेल्प कर रहा था, अद्विक भी हेल्प कर रहा था, और सब ने साथ में किया, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर उसके बाद मैं भी हेल्प करने लगी थी उन्हें, तो ऐसे करके सारे जो प्याज है वो क्लीन कर लिए, और उसके बाद रख दिए वो बोरी में भर के, तो ऐसे ना क्लीन करते हैं तो वो हो जाता है, मतलब अच्छा रहता है। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर सैनिटाइज़ करने के लिए आते हैं लोग घर पे हमारे, तो ये सबके मेन गेट को सैनिटाइज करके जाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो और घर के पूरे मतलब थोड़े से आजू बाजू में भी घूमते हैं ये, इस तरह से सैनिटाइज करके चले जाते हैं, तो आपके साइड में भी ऐसा हो रहा है कि ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने इसी वजह से आपको दिखाया है कि ये हमारे साइड में इस तरह से हो रहा है, क्योंकि मेन गेट को ही इस तरह से हाथ लगते हैं सभी लोगों के, तो इसी वजह से ये मेन गेट को ही सैनिटाइज करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर अद्विक भी सीख गया है सैनिटाइज करना, तो अद्विक भी अभी कुछ भी चीज़ यूज़ करता है ना तो पहले सैनिटाइज करता है, जैसे उसको सिखा दिया गया है, उसके पापा ने सिखाया है उसे, तो अभी कुछ भी चीज़ यूज़ करता है तो ये स्प्रे हमने बना के रखा था, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि इसमें ना क्या होता है, पानी होता है और उसमें थोड़ा सा डेटॉल डालते हैं हम लोग, और यही छिड़कते हैं किसी भी चीज़ पे, जैसे डोर की कुंडी हो गई, ये हो गया, मतलब जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो उस पर ये पानी छिड़क के फिर पोंछ लेते हैं, तो इस तरह से ये स्प्रे बना के रखा है। अभी स्प्रे ख़त्म भी हो गया था, वही दिखा रहा था वो, तो ऐसे ही वो सीख गया है, वो जो भी चीज़ यूज़ करता है उसको पहले सैनिटाइज करता है, उसके बाद यूज़ करता है। हे गाइस, आ गई हूँ मैं किचन में और अभी बनाने वाली हूँ डिनर। एक्चुअली डिनर की तैयारी करनी है, काफ़ी लेट हो गया है आज। एक्चुअली क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी और इसी वजह से मैं ना आपसे बात नहीं कर पाई, काफ़ी देर से लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आएगी और आपसे बात करूँगी और क्या बोलते हैं तो ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, डिनर बनाऊँगी, तो डिनर बनाना भी बाकी है, तो ये बोल रहे चिकन बनाओ, तो डिनर में आज चिकन बनने वाला है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ चिकन की रेसिपी, और आज कोई डिफरेंट स्टाइल से चिकन नहीं बनने वाला है, वही स्टाइल से चिकन बनने वाला है, तो अगर डिफरेंट स्टाइल से बनता तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती,
बट आज कुछ अलग सा नहीं बनने वाला है, तो चलिए पहले डिनर बना लेती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ आपसे। एक्चुअली यहाँ पर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं आ गई थी पहले राइस लगाने, तो मुझे ये ना कांच का जो लीड है वो दिख गया था, तो मैंने क्लीन कर लिया ये लगे हाथ। बट इसके बाद का मैं किस्सा बताती हूँ आपको। इसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बारिश की वजह से लाइट वगैरह गई थी, थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद लाइट गई, और फिर ना हमें वेट ही कर रही थी कि जब कब मैं खाना बनाऊँगी। तो उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आई, लाइट आई और बारिश भी थोड़ी सी रुक गई थी, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आई यहाँ पर। जैसे मैं खाना बनाने के लिए लिया ना, यहाँ पे मैंने राइस लिया और राइस वॉश किया और उसके बाद राइस लगाने गई, तो वैसे ही लाइट चली गई, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी इसके बाद का। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आपसे बात करूँगी कुछ, मतलब आपने जो क्वेश्चन किए थे उसके आंसर करूँगी, बट कुछ भी नहीं हो पाया यहाँ पर। सिर्फ मैंने राइस वॉश किया, उसके बाद राइस लगा दिया और बस। मुझे जो भी खाना बनाना पड़ा बाद का, तो वो मैंने टॉर्च लाइट में बनाया, और उसके बाद तो टॉर्च लाइट में तो पॉसिबल नहीं था आपसे बात करना और शूट करना बाकी का, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जल्दी जल्दी से खाना बनाया और उसके बाद चिकन वगैरह बनाया था मैंने, सब कुछ बनाया जो भी चाहिए था। बट मसाला एक्चुअली क्या हुआ था कि मसाला मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखा था, तो इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहा मसाले का। बट बाकी का जो टेंशन था, मतलब खाना बनाने का, तो वो टेंशन था थोड़ा सा, वो टॉर्च लाइट में मैंने कर लिया एडजस्ट। तो जो भी बनाना था मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो ये बन रहा है मेरा चिकन यहाँ पे, और चिकन रेडी हो गया है। और ये ना टॉर्च लाइट चल रही है, जो बड़ी वाली टॉर्च नहीं होती है वो चल रही है यहाँ पे, तो चिकन बन गया था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा दिख रहा था टॉर्च लाइट में, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ आपके लिए, दिखा देती हूँ कि ये वाला यम्मी सा डिनर बनाया था। और डिनर यहाँ पर बन गया था, रेडी हो गया था, तो यहाँ पर राइस भी हमारे रेडी हो गए थे, इस पर मैंने कुकर में राइस बनाए थे, और उसके बाद रोटियाँ भी रेडी हो गई थी, तो सब कुछ हमारा डिनर रेडी हो गया है। अब हम लोग डिनर कर लेंगे, डिनर हो जाने के बाद थोड़ी सी वॉक करने के बाद मैं सो जाऊंगी, और उसके बाद उठूंगी तब जब लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, खाना बनाते बनाते ही लाइट चली गई थी और आपसे बात ही नहीं कर पाई एक्चुअली। अभी मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और अभी बज रहे हैं 1:15 रात के, और अभी आई है लाइट 1 बजे। और ना मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग को एंड कर देती हूँ अभी, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, थोड़ी देर ऐसे ही लेट गई थी, बट नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से और उसकी वजह से, अंधेरे की वजह से, तो इसीलिए अभी उठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ और ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। और नाम लेने का टाइम आ गया है, तो आपके नाम ले लेती हूँ। उससे पहले मैं एक नाम और लेना चाहूँगी, जिनका बर्थडे है आज, तो वैभव सिंह का बर्थडे है, किसी ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी बहन के बेटे का बर्थडे है वैभव सिंह का, तो उनको विश करना है हैप्पी बर्थडे वैभव सिंह, और आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आए और आज के दिन आप जो चाहो वो मिल जाए आपको, तो यही प्रे करूँगी आपके लिए आज के दिन। और चलिए फिर अभी नाम ले लेती हूँ। तो फर्स्ट नाम है सोहन एंड सोहाना की मम्मी, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है एक्चुअली, तो इसी वजह से मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगी, बट उन्होंने इतना ही बताया था कि सोहन एंड सोहाना की मम्मी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और आपको भी आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो मिल जाए आपको। और सेकंड नाम है सृष्टि रूपा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और आपको भी सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में, आपको जो चाहिए वो मिल जाए। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। जिन जिनका नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है, तो इस ब्लॉग पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं, तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।